चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू बॉल्स ऑफ सेम मास आर प्रोजेक्टेड वन वर्टिकली अपवर्ड एंड अदर एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल, द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जैसे एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है ऊपर की तरफ, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियली उतनी ही हाइएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। इस पॉइंट पे जैसे ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे, अगर ये बी पॉइंट है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जितनी होगी उसी के बराबर होगी, हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। तो पहले केस में सीधा वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है, तो हाफ एम यू स्क्वायर हो गया, ठीक है, जो भी वेलोसिटी है। अच्छा, दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है वर्टिकल से 60 डिग्री, वेलोसिटी सेम है यू, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूँ तो वो कितना होगा, वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में यू वाई, यू वाई की वैल्यू कितनी होगी, यू वाई इज इक्वल टू होगा यू साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, दूसरे केस में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, मान लो ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर होगा। तो जितना काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी, मान लो ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जितनी काइनेटिक एनर्जी है उसी के बराबर होगी, हाफ एम यू साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये वैल्यू कितनी होगी, हाफ एम यू साइन 30 की वैल्यू 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बाई 4 बाहर आएगा 8 हो जाएगा एम यू स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी सी पॉइंट पे जितनी होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पे डी पॉइंट पे होगी, 1 बाई 8 एम यू स्क्वायर, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इतनी है। तो रेशियो निकाल लेते हैं, एम बी अपॉन यू बी अपॉन यू डी कितना होगा, हाफ एम यू स्क्वायर अपॉन 1 बाई 8 एम यू स्क्वायर 8 बाई 2 यानी 4 बाई 1। सो 4 बाई 1 इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सी वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।